महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट को आज विस्तार मिलेगा। आज कांग्रेस से 12 विधायक बनाए जा सकते हैं मंत्री, शिवसेना से ज्यादा हो सकते हैं एनसीपी के मंत्री। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने की खबरें भी तेज। आज पहली बार कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है उद्धव ठाकरे सरकार का, जिसमें एनसीपी के भी मंत्री होंगे, कांग्रेस के भी विधायक आज मंत्री बनेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि आज ज्यादा मंत्री पद की शपथ एनसीपी कोटे से दिलाई जा सकती है। कांग्रेस के 12 विधायक भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, शिवसेना से ज्यादा हो सकते हैं एनसीपी के विधायक। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी खबर अजीत पवार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर डिप्टी सीएम बनने की राह पर चल दिए थे, लेकिन फिर पूरी बाजी पलटी और उसके बाद ये गठबंधन सामने आया। अजीत पवार भी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ले सकते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की उद्धव ठाकरे सरकार, जो कि गठबंधन की सरकार है, बहुत ही दाव पेच के बाद यह सरकार सामने आई थी और कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन कर मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे। शिवसेना से ज्यादा हो सकते हैं एनसीपी के मंत्री। अजीत पवार के डिप्टी सीएम बनने की अटकलें भी तेज हो गई हैं और महाराष्ट्र में उद्धव कैबिनेट का कुल मिलाकर आज विस्तार होने जा रहा है। बड़ी खबर मुंबई से।